देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक। आपसे कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर, ठीक है, या ऑर्डिनरी ईयर। पहला, दूसरा इन ए लीप ईयर। तो एक ही क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा आंसर होता है। आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर और इन ए लीप ईयर। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि मतलब क्या है, क्वेश्चन है क्या। एक्चुअली होता क्या है, आपके पास जो ईयर्स की जब आप बात करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आपका फरवरी जो है वो 28 डेज का है, या आपका जो फरवरी है वो 29 डेज का है। बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर फरवरी आपका 29 डेज का होता है तो जिस ईयर में ये आता है उसे आप लीप ईयर कहते हैं, जिसमें नहीं आता है उसे आप नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। तो होता क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमें मालूम क्या है, ईयर में जनरली 365 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में प्लस वन हो जाता है। तो आपके पास जो ऑर्डिनरी ईयर है वहाँ 365 डेज हैं, और जो आपके पास नॉन लीप ईयर है वो 366 डेज है। तो पहली चीज़ तो ये कि व्हाट इज़ ऑर्डिनरी ईयर, नॉन लीप ईयर एंड व्हाट इज़ लीप ईयर। तो ये हमारा नॉन लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास ईयर के अंदर सिर्फ वीक्स होते हैं। वीक का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर रिपीटेशन होता है। तो अगर आप अपने ईयर को वीक्स में डिवाइड करें तो वीक में डिवाइड करने का मतलब है डिवाइडेड बाय 7। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 1 कैरी 7 2 15 था यहाँ, तो 52 कंप्लीट वीक फॉर्म हो गए, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा बचा, वन डे एक्स्ट्रा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे भी यही होगा, 52 कंप्लीट वीक आपके पास आ जाएंगे, प्लस टू डेज एक्स्ट्रा। तो यही है क्वेश्चन कि आपके पास होता क्या है, आप अपना कैलेंडर उठाइए और उसमें अगर आप वीक्स बनाने शुरू करेंगे तो पूरे 52 वीक्स बनेंगे और एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, कोई सा भी मंडे आया तो मंडे, ट्यूसडे आया। तो यही मकसद भी है क्वेश्चन का कि हमारे पास कंप्लीट हर साल में, चाहे ये साल हो चाहे ये साल हो, 52 कंप्लीट वीक होते हैं। तो 52 कंप्लीट वीक का मतलब है 52 संडे होते हैं, 52 मंडे होते हैं, 52 ट्यूसडे होते हैं, वेडनेसडे होते हैं, थर्सडे होते हैं, फ्राइडे होते हैं और सैटरडे, कंप्लीट 52 होते हैं। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा आया उसकी वजह से वो वाला दिन 53 हो जाएगा। अगर ये दिन संडे है तो ये 53 संडे हो जाएगा, अगर ये दिन मंडे है तो 53 मंडे हो जाएगा। तो आपके पास कभी भी किसी भी साल में कोई सा भी दिन 51 नहीं हो सकता। अगर आप ये कह रहे हैं लोगों 2019 में तो मंडे 51 होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 52 होने। अगर कोई आपसे कहने लगे आपके 54 संडे होंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम 52 होते हैं और मैक्सिमम 53 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, 52 तो डेज हो जाएंगे प्लस दो दिन एक्स्ट्रा आए, तो जो भी दो दिन आएंगे वो हमारे 53 हो जाएंगे। तो होता क्या है, 53rd डे, ठीक है, अगर हम बात करें फिलहाल ऑर्डिनरी ईयर की बात कर लेते हैं या नॉन लीप ईयर पहले कर लेते हैं, इन नॉन लीप ईयर, तो आपके पास क्या होगा कि 53rd डे डिपेंड्स ऑन वन एक्स्ट्रा डे पे अगर डिपेंड करता है तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, कि ये जो एक दिन है ये क्या क्या हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ वन एक्स्ट्रा डे, यही तो ढूंढते हैं भाई, क्यों भाई, सॉरी फेवरेबल कह रहा हूँ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कि एक्स्ट्रा डे के टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं। या तो ये संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेनसडे होगा या थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा, ठीक है सर। अब अगर सैटरडे ये होगा तो 7 ऑप्शंस हैं, कितने ऑप्शन हैं, इसके अलावा हो नहीं सकते। तो 53 संडे होने के क्या ऑप्शन, तो फेवरेबल आउटकम्स
ऑफ 53rd संडे, तो अगर ये हमारे पास आया तो संडे होगा, अगर ये नहीं आया तो नहीं। तो किस कितने ऑप्शन है, वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, ठीक है, इन ए ऑर्डिनरी ईयर, इन ए नॉन लीप ईयर क्या हो गया सर जी, 1/6। तो क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ इतना है कि होता क्या है भाई, आपका जो 53rd डे है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वन एक्स्ट्रा डे पे। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, मतलब 7, मुझे चाहिए क्या सिर्फ संडे, तो संडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/7। आगे समझे, अगर इसी में आपसे कह दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और मंडे, संडे और, तो 2/7। लेकिन अगर इसमें आपसे कहने लगे नहीं साहब 53 संडे एंड मंडे, संडे एंड मंडे, ऐसा सर पॉसिबल नहीं है, दो दिन एक साथ नहीं हो सकते, तो 0/7। तो ये तो किसमें हो गया आपके पास, ये तो हो गया आपके पास ऑर्डिनरी ईयर। लेकिन अगर आप बात करते हो लीप ईयर की, किसकी बात करते हो, लीप ईयर की, अब लीप ईयर में दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं, अब दो दिन जो होंगे क्योंकि ई वीक्स में कॉन्जिक्यूटिव डे आते हैं, अलग अलग नहीं आ सकते कि भाई एक संडे आया और एक फ्राइडे आया, ऐसा पॉसिबल थोड़ा ही है, दिन होंगे वो लगातार होंगे, मतलब संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, फिर संडे मंडे। तो अब कितने पेयर बने, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे, फिर वही 7 पेयर बने, कितने बने। अब आपको चाहिए 53 संडे, तो अगर ये वाला पेयर आया संडे मंडे तो भी बात सही है, और अगर ये वाला आया सैटरडे संडे तब भी बात सही है। तो संडे या तो इस पेयर के साथ आ रहा है, या तो मंडे के साथ आएगा या सैटरडे के साथ आएगा, भाई संडे क्या हो सकता है, संडे या तो मंडे के साथ या फिर पिछले वाले सैटरडे के साथ, तो दो पेयर हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर इज 2/7। लेकिन अगर मैं यहां कहूं संडे और मंडे, संडे और मंडे, अब संडे यहां है, संडे यहां है, मंडे यहां भी है, और तो कितने ऑप्शन है, 3, तो आपके पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/7, किसमें, लीप ईयर। अच्छा अब ये बताओ क्या ये पॉसिबल है संडे एंड मंडे दोनों 53 हो, संडे भी हो, और अगर ये वाला आया संडे मंडे तो 1/7, तो ये भी पॉसिबल है इसके अंदर कि दो रिजल्ट एक साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहते नहीं साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड फ्राइडे, एंड कह रहा है, तो ये पॉसिबल दोनों एक साथ नहीं आए, कॉन्जिक्यूटिव डे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0/7। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। तो जनरली अगर मैं आपसे बात करूं नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी होती है 1/7 और लीप ईयर की होती है 2/7। क्वेश्चन यही होता है कि 53 संडे बताइए इन्हें लीप ईयर, तो क्या होगा, ठीक है 2/7 लीप ईयर में, और ऑर्डिनरी ईयर में 1/7। क्यों होता है वो आपको बता दिया, क्योंकि उन 7 दिन पे ही डिपेंड करता है, नोट कर लीजिए।